ट्रेन में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो ओरिजिनल टारगेट था और जो कॉस्ट था दोनों ओवररन हो चुके हैं। अगर आप कोई भी देश में देखें, अगर आप बुलेट ट्रेन बनाने का टाइम पीरियड शुरुआत वाला फर्स्ट जो फर्स्ट बुलेट बनती है, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे ताइवान ले लो, चाहे साउथ कोरिया ले लो, शुरू शुरू में जो डिजाइन वाला फेज होता है वो डिजाइन वाला फेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बुलेट की। आप अगर अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड से चलाते हो, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, उसको कंट्रोल करना आसान होता है क्या? बहुत मुश्किल होता है गाड़ी को। ये बुलेट चलती है 320 की स्पीड पे, 320 किलोमीटर पर KMPH की स्पीड पर अगर कोई गाड़ी चलेगी तो उसमें किस तरह के वाइब्रेशंस होंगे, उसमें किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी के होंगे, क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, क्या कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, उसके डिजाइन में टाइम लगता है। और लास्ट ईयर मतलब करीब पिछले साल अगस्त में पहली फाउंडेशन लगने के बाद से करीब करीब अभी 110 के आसपास किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। आई थिंक दैट इज इन वन ईयर कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो शायद बहुत सारे देशों से बेटर है। तो एस्टिमेटेड आपको क्या लगता है अभी गोइंग बाय द करंट एस्टिमेट्स? 2026 का अभी इसका करंट एस्टिमेट है। प्रैक्टिकली सब चीजें ठीक टाइम पे चल रही है। जो ट्रेन के डिजाइन में उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है बिकॉज जापानीज का कहना है कि हमारे यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। सो दैट मींस डस्ट इंग्रेशन कितना है, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर उसका रीडिजाइन हो रहा है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन ट्रैक।